जैन प्यारे बच्चों, आप सभी का इस स्पेशल एफकेट आर्मी स्टैटिक्स जीके में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि स्टैटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम दो, आप एनडीए सीडीएस कोई भी दे रहे हैं आप। क्योंकि देखो कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं हमें पता नहीं रहता है, और ये बेसिक टर्मोलॉजी हमें पता होना चाहिए, खासकर स्पोर्ट्स के बारे में। तो जो लेक्चर लेके आए वो स्पोर्ट्स एंड टर्म्स हैं, टर्मोलॉजी। आपको कई बार कई खेल के बारे में पूछते कि इस ये बताओ ये जो शब्द ये कौन से खेल से संबंधित, हम कई बार कंफ्यूजन हो जाते, बता नहीं पाते। तो हमने उसी तर्ज पर आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आए, ठीक है बच्चों। तो आइए इस लेक्चर को हम पढ़ समझते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एथलेटिक्स में, किसकी बात करेंगे, एथलेटिक्स की बात करें तो कौन कौन से शब्द यहाँ यूज होते हैं, याद रखना उन्हीं शब्दों को हमें फोकस करना। जी हाँ, पहला शब्द होता है रिले। कौन सा शब्द होता है? रिले, ट्रेक, लेन, फोटो फिनिश, हॉट लेस, शूट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप, क्रॉस कंट्री, जंप क्रॉस कंट्री या ट्रिपल जंप के नाम से जाना है। ये सारे एथलेटिक्स यानी रनर जो दौड़ते धावक, और ये सारी चीजें उनके लिए यूज की जाती है, ठीक है। मैं बहुत सारे वर्ड लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा थे वो लेकर आया, ठीक है ना। तो ये याद रहे, रिले, ट्रेक, लेन, फोटो फिनिश, हॉट लेस, शूट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप या क्रॉस कंट्री, ये किसके नाम है? एथलेटिक्स टर्मोलॉजी। अब आते बैडमिंटन पर। जी हाँ, शटल कुक, सर्विस कोर्ट, डबल फॉल्ट, फोर हैंड, बैक हैंड, स्मैश, हिट, ड्रॉप, नेट, लव, ठीक है। ये किसके टर्मोलॉजी बच्चों? बैडमिंटन की। अब आपको कई टर्मोलॉजी कुछ खेल में कॉमन हो सकती है, तो वो कॉमन तो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन कुछ जो स्पेशल किसी खेल में यूज होती है वो पूछी जाती है। तो क्या हो गया? शटल कुक, ये कॉक हो गया, सर्विस काउंट, डबल फॉल्ट, फोर हैंड, बैक हैंड, स्मैश, हिट, ड्रॉप, नेट, लव एक्सेट्रा, ये सब बैडमिंटन टर्मोलॉजी होती है। कौन सी टर्मोलॉजी होती है बच्चों? बैडमिंटन टर्मोलॉजी होती है। नेक्स्ट अब आते हैं बेसबॉल पर बच्चों, ठीक है। ये बेसबॉल बड़ा फेमस खेल होता है, खासकर अमेरिका में बहुत प्रचलित खेल है। तो देखो इसकी टर्मोलॉजी पिंचिंग, होम रन, बेस रन, रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट एक्सेट्रा, ठीक है। बेसबॉल की फेमस टर्मोलॉजी कौन कौन सी आती है? पिंचिंग, होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, स्ट्राइक या पुट आउट, ठीक है। अब बॉसबॉल के बाद आते हैं, बेसबॉल के बाद आते हैं बास्केटबॉल पर। इसका होता है फ्री थ्रो, कॉमन फॉल, अंडर हैंड, टेक्निकल फॉल या ओवरहेड। जी हाँ, ये फेमस टर्मोलॉजी यूज होती है कहां पर? बास्केटबॉल में होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं ब्रिज। ये बड़ा फेमस गेम होते हैं, बिलियर्ड, स्नूकर, ब्रिज, ये फेमस खेल होते हैं और इनके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। विश्वनाथ आनंद का इनका में चेस में जैसे सुना होगा, जैसे पंकज अडवाणी, ये सब बिलियर्ड्स ब्रिज के खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें होता है मास्टर पॉइंट, ग्रैंड स्लैम, परफेक्ट डील्स, डमी, ये कई बार पूछा गया, डमी या ट्रंप, है ना, डोनाल्ड ट्रंप वाला ट्रंप है, ठीक है। तो ये किसमें होता है? ब्रिज गेम में होता है। उसके बाद बिलियर्ड स्नूकर, इसमें पुल होता है, को होता है, हीट होता है, ऑब्जेक्ट बॉल होता है, स्कोरिंग होता है, कॉजिन बिलियर्ड्स होता है, ब्रेक शूट होता है, ठीक है ना, ब्रेक शॉट होता है। तो ये सारे वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, ये अधिकतर ये अमीरों के खेल होते हैं सारे बच्चों हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक, बॉक्सिंग। कौन सा खेल बच्चों? बॉक्सिंग आ रहा है, ठीक है ना। उसके पहले यहाँ आ रहा है गरीबों का खेल, ये सबका खेल होता है, ठीक है। कौन सा बच्चों? बिलियर्ड्स के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है बॉक्सिंग, ठीक है। तो बॉक्सिंग हिंदुस्तान में बड़ा फेमस है। तो इसमें क्या क्या यूज होता है? नो आउट, रिंग स्टॉपेज, पंच, राउंड, अपर कट, ये जबकि क्रिकेट में भी यूज होता है अपर कट, किडनी पंच, टाइमिंग या ना फुटवर्क, ये सारी चीजें यूज होती है कहां पर? बॉक्सिंग में होता है। चेस में ELO रेटिंग होती है, ग्रैंड मास्टर होता है, इंटरनेशनल मास्टर होता है, गैम्पीट होता है, ये टर्मोलॉजी, किंग्स और इंडियन डिफेंस, ये टर्मोलॉजी चेस में यूज होती है। साइकिलिंग में स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, ट्रेक रेस, पॉइंट और रेस, ये टर्मोलॉजी साइकिलिंग में यूज होती है। चेस में रेटिंग, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, गैम्बिट, गैम्बिट, किंग्स, इंडियन डिफेंस, ठीक है ना। और बॉक्सिंग में अब आता है
मैंने कहा कि ये सभी लोगों का खेल है, गरीब लोगों का, गली मोहल्ले में कहीं भी जाके खेल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, मैच शुरू होने से पहले टॉस होता है, जैसे उस दिन रोहित शर्मा भूल ही गए टॉस, के बाद कि क्या करना है, ठीक है ना। रन भी होते हैं, विकेट भी होते हैं, पिच भी होता है, स्टंप भी होता है, बॉल होती है, बेल्स होती, जो क्रेस पवेलियन होता है, ग्लव्स होते हैं, विकेट कीपर होता है, ओवर भी होता है इसके अंदर, ठीक है ना। उसके अलावा फुल ऑन होता है, रबर होता है, स्पिन होता है बच्चों, एश, ये एश जो शब्द होता है भाई ये क्या होता है, ये याद रखना, एश एक ट्रॉफी का नाम है आपका, एशेस पता ना, ये होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। कैच होता है, बॉल होता है, स्टंप आउट होता है, रन आउट होता है, LBW है ना, लेग बिफोर विकेट होता है इसको, हिट विकेट होता है, गुगली बॉल होती है, गुगली बॉल जो फेंकते हैं, नॉट आउट होता है, नो बॉल होता है, वाइड बॉल होता है, डेड बॉल होता है जिसमें लगती नहीं है, मिडन ओवर होता है जिसमें कोई रन ही नहीं बनता, ओवर थ्रो होता है, बाय होता है और लेग बाय दोनों होता है, रन होते हैं जो पैर हाथ पैर से इनसे लग जाती, कवर ड्राइव होता है, लेट लेट कट, हुक, ग्लैंस, स्ट्रोक, शॉट, पुल, सिक्सर, फॉलो थ्रो, टर्न, बाउंसर, हैट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, सिमर, बाउंड्री लाइन, स्लीप, स्क्वायर लेग, रनर, कवर, यॉर्कर, गुगली या गोली, लॉन्ग ऑन, सिली पॉइंट्स, मिड विकेट, मिड ऑन, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग एंड डीप मिड विकेट एक्सेट्रा, ठीक है। अब नो बॉल वगैरह भी आ गए, फ्री हिट वगैरह, कई सारी टर्नोलॉजी यूज होती है, तो ये बार बार पढ़ने से आपको दिमाग में हो जाएगी भाई ये क्रिकेट की टर्नोलॉजी, और अधिकतर बच्चों क्रिकेट की टर्नोलॉजी पता होती है, ठीक है, पता होती है। अब हम बात करेंगे वो टर्नोलॉजी जो अधिकतर पूछी जाती है, देखो फुटबॉल, इसमें भी किक होता है बच्चों, क्या होता है किक होता है। फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी आपने रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के नाम सुने होंगे, और हिंदुस्तान के मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, छेत्री पाल करके है वो, बहुत फेमस खिलाड़ी है। किक, गोल, हेड, पेनल्टी किक, ट्रिबल, ऑफ साइड, मूव, हैट्रिक, फोल, लेफ्ट आउट, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, साइड बैक, पास, बेस लाइन, रिबाउंड, कम बैक, ये कम बैक, ये सारी टर्नोलॉजी आप देखोगे तो कुछ कॉमन भी हो सकती है, हैट्रिक वगैरह, हैट्रिक में यहाँ भी होता है कि भाई लगातार तीन गोल मार दिया आपने, ये सारी चीज़ें यहाँ भी होती है, क्रिकेट में भी होती, तीन विकेट लगातार ले लिया आपने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक होती है, इनको ध्यान रखिए आप। उसके बाद आता है जिमनास्टिक्स, इसमें पैरेलल बार होता है, हॉरिजॉन्टल बार होता है, पुश अप होता है, फ्लोर एक्सरसाइज होता है, एनवेन बार होता है और सीट अप होता है, सीट अप जो लगाते हैं उनको सीट अप कहते हैं, ठीक है। तो ये जिमनास्टिक जो जिम में लोग यूज करते हैं वो होता है, फुटबॉल का होता है। अब आ जाते हैं भाई और किसका है, यहाँ पर हॉकी देखते हैं, हॉकी बड़ा फेमस खेल है, ठीक है, इसका देखते हैं। तो यहाँ पर बुली होता है, शॉर्ट कॉर्नर होता है, हैट्रिक यहाँ भी होता है, यहाँ भी गोल होता है, पेनल्टी कॉर्नर होता है, यहाँ पर पेनल्टी स्ट्रोक होता है, यहाँ पर पुशिन होता है, कट होता है, स्कोप होता है, ड्रिबल ये भी होता है, यहाँ पर सेंटर फॉरवर्ड होता है, हाफ बैक होता है, एस्ट्रोटर्फ होता है, सडन डेथ होता है, लेफ्ट इन लेफ्ट आउट भी होता है, ऑफ साइड होता है, टाई ब्रेकर, कैरीड स्टिक, स्ट्राइकिंग सर्कल, अंडर कटिंग, ये सब सारी चीजें हॉकी में यूज होती है। कहाँ यूज होती है, हॉकी में। फिर अब बात आते हैं हॉर्स राइडिंग पर, तो यहाँ पर होता है 3 डे इवेंट होता है, ड्रेसेस शो, जंपिंग या फॉल्ट, ये सारी चीजें हॉर्स में यूज की जाती है, हॉर्स राइडिंग जब होता है, ठीक है, उसमें सारे टर्नोलॉजी यूज होते हैं। तो देखना है, कई बार पूछे जाते, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ ये टर्नोलॉजी पूछे जाती कौन से खेल से। मैं फिर एक आपको ये भी लेके आऊंगा कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन से देश का कौन सा नेशनल गेम है, और ये भी लिखा है कौन से खेल से संबंधित कौन सी ट्रॉफियां होती है, ये आपसे पूछा जाता है। जूडो, इसमें कोको होता है, व्हाइट होता है, ब्लू होता है, ग्रीन बेल्ट, ये सारे बेल्ट होते हैं, ठीक है ना, ब्लैक बेल्ट भी आपने सुना होगा, ये सारी चीजें भी होती है। पोलो में पोलो बंकर, मेल्ट या चुकेर, ये पूछा गया शब्द है, कई बार पूछा जाता है ऐसे खेल में, कहा ना ये जो अलग से खेल चलते हैं ना इनमें पूछे जाते हैं। शूटिंग में रैपिड फायर पिस्टल होता है, स्टैंडर्ड राइफल होती है, फ्री पिस्टल होता है, एयर राइफल होता है, रेंज होता है, और बुल्स आई होता है, सांड की आंख, है ना, सुना मूवी आई थी ना सांड की आंख, वो इसी पे
कि आपको उसी हिसाब से मानना था। स्विमिंग भी बड़ा फेमस एथलेटिक्स गेम में आता है, इसमें फ्री स्टाइल होता है, बिग स्ट्रोक होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई होता है, लेन होता है, पुल होता है और क्रोल होता है। ये सारी चीज स्विमिंग में यूज होती है बच्चों। टेबल टेनिस की बात करें तो वॉली, लेट सर्विस, ड्राई स्पिन, हाफ वॉली या बैक हैंड या चॉप, ये सब टेबल टेनिस में यूज किए जाते हैं वर्ड है, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये बड़े फेमस वर्ड है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात आते हैं टेनिस की, टेबल टेनिस। अब ये जो टेनिस जो ग्रैंड स्लैम वगैरह में खेली जाती है तो इसको कहते हैं सर्विस ग्रैंड स्लैम, ये ट्रॉफी होती है। ड्यूस, एडवांटेज, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्मैश, शॉट, ब्रेक, ग्रेस कॉट, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले या बेस्ट लाइन, ये सारी चीज यूज कहाँ होती है बच्चों? टेनिस में होती है। बड़े बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, बड़े बड़े फेमस खिलाड़ी है, रोजर फेडर से लेकर नोविक जोकोविक है ना, बड़े फेमस खिलाड़ी। वॉलीबॉल में स्पाइकर्स, बोस्टर, ड्यूस, स्मैश, साइडर या पेनेट्रेशन। अब देखो एक चीज ये जो आपने देखा ना, इसमें कई बार कुछ खेल में कुछ वर्ड दो तीन खेल में, तो ऐसे डाउटेबल नहीं पूछेंगे, किसी खेल का जो स्पेशल टर्मिनोलॉजी वही आपसे पूछा जाएगा बच्चे, ठीक है ना। चलो अब ये लास्ट है यार, वेट लिफ्टिंग में क्या होता है? जर्ग, स्नीच, ये दो वेट लिफ्टिंग में यूज किए जाते हैं ज्यादा शब्द है। रेसलिंग में फ्री स्टाइल देख लिया, पॉइंट, हॉल, नेल्सन या हेवन, ये सारी चीजें होती है जो रेसलिंग में यूज की जाती है, ठीक है बच्चों। तो इतना हमने ये टर्मिनोलॉजी देखी, ये इतनी टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से इनको सुनेंगे पढ़ेंगे तो, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपके। तो जो बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कैसे लेक्चर लग रहे और क्या लेकर आप लोगों के लिए आज, जिससे आपको फायदा मिले बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना, जय हिंद, वंदे मातरम।